रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, जब भी रिजल्ट आता है रॉयल की पूरी टीम, पूरा स्टाफ, यहां के स्टूडेंट, यहां के पेरेंट्स, जो भी हमारी संस्थान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े रहते हैं, सबसे ज़्यादा हमेशा खुश होते रहे हैं। उसका कारण है रिजल्ट इतना बेहतरीन आता है कि जिस तरीके से इस संस्थान के द्वारा पूरी साल बच्चों के साथ कंधा से कंधा मिला के तैयारी बच्चों को करवाई जाती है, एक सामान्य औसत दर्जे के बच्चे को जब तैयारी करवाई जाती है और जब उसका रिजल्ट आता है तब उसको लगता है कि मैं कहां से कहां तक आ गया। जी हां, आईसीआर का आपका रैंक कार्ड सभी बच्चों का जारी हो चुका है। पहले भी आपको पता है, रैंक कार्ड के थ्रू मैंने आपको बताया था कि हमारी सोनिका पूरे देश के अंदर एबीसी वर्ग में फर्स्ट रैंक रही, क्योंकि उस टाइम आईसीआर ने केवल 8 ही बच्चों का रिजल्ट जारी किया था जिनके 100% आए थे। लेकिन आज ओवरऑल बच्चे जो परीक्षा में बैठे सभी का जो है रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है। आपको जान के खुशी होगी कि संस्थान के द्वारा बेहतरीन रिजल्ट हम जो देते रहे उनमें इस साल फर्स्ट रैंक के अंदर हमारा एक बच्चा और जुड़ गया है, अक्षय मीणा। इस बच्चे की पूरे देश के अंदर कैटेगरी के अंदर एसटी कैटेगरी के अंदर इस बच्चे की फर्स्ट रैंक है, और सोनिका जाट इसकी एबीसी वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक है। एग्रीकल्चर स्ट्रीम के दोनों स्टूडेंट है। और आप देखो, मैं कहता हूं सामान्य बच्चा, जिस बच्चे को लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, 11वीं 12वीं में मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने तो ये इस तरीके की केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, फिर भी मैं देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं, ऐसे बच्चों के लिए रॉयल की टीम काम करती है। आप देखो, अक्षय सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा है। कहां पढ़ा? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12 छिपा बड़ोद 12 का बच्चा रहने वाला है। सरकारी स्कूल में बच्चे से बच्चे ने 12th की है। एग्रीकल्चर स्ट्रीम का ये बच्चा है। और आप देखो, ये बच्चा आज देश की टॉप यूनिवर्सिटी IARI के अंदर आपको नजर आएगा। हमारी सोनिका जाट, जो कि किसी कारणवश 12वीं के बाद में लगातार नहीं पढ़ पाई, इसने स्ट्रीम चेंज कर ली और कहीं ना कहीं ये डिमोरलाइज हो गई, लेकिन इसको लगा कि नहीं, मुझे अभी भी करने की जरूरत है, और रॉयल का इसको साथ मिला। ये बच्ची 12वीं के बाद में अपनी लाइन चेंज करने के बाद में पुनः ये वापस एग्रीकल्चर के साथ जुड़ के और पूरी मेहनत करके देश टॉप कर गई। ऐसे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं रॉयल संस्थान के जिनकी बेहतरीन रैंक आ जाइए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, रॉयल के बच्चे प्लस कोई भी इंस्टीट्यूट के, स्कूल के, या किसी ने कहीं तैयारी नहीं की हो, अगर आपकी कोई सी भी रैंक आ रही है आज आप खुश हो सकते हो, लेकिन जब तक आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले लेते हो तब तक आपको खुश ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे 12 साल के कैरियर में कि बेहतरीन रैंक आने के बावजूद काउंसलिंग में मिस्टेक की वजह से देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने से बच्चे बच जाते हैं, और कई बार तो होता ही नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि इस यूट्यूब चैनल के जरिए मैं आईसीआर की काउंसलिंग की पूरी डिटेल आपको दूंगा, एक एक जानकारी हर यूनिवर्सिटी की दूंगा, किस यूनिवर्सिटी की कितनी फीस है, कहां पे कितनी सीट है, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, वर्तमान में किसका क्या लेवल है, आपको हॉर्टिकल्चर लेना चाहिए, एग्रीकल्चर लेना चाहिए, या आपको कौन सी ब्रांच में जाना चाहिए। मैं पूरी डिटेल आपको इस यूट्यूब पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रॉयल का लिंक दिया हुआ ऐप का, जिसके ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि खुश हो, आप सब आराम से पार्टी करो, घरवालों को खुशी का मौका है, खुशी का इजहार करो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके या फिर ऐसे किसी लोगों के संपर्क में आके जिनको कि इस एग्जाम के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, उनके जरिए आप गाइडेंस लेके और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसी में चली जाओ जहां की आप उस यूनिवर्सिटी से रह जाओ जो कि बेहतरीन आपको मिल सकती थी, तो आप ये गलती ना करें। मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पुनः एक बार हमारी टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपके द्वारा अथक अप टू एग्जाम तक जो मेहनत की गई, बच्चों के द्वारा जो मेहनत की गई और पेरेंट्स का जो साथ रहा, उसका नतीजा आज अपने सामने आ चुका है। लेकिन देश के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला और उनको अपने सपनों की यूनिवर्सिटी नहीं मिली, उन बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, 2023 आपका होगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम के, रॉयल संस्थान के साथ में जुड़ के 2023 में अपने सपने पूरे कर सकते हो। और 2022 के अंदर जिनको यूनिवर्सिटी अच्छी मिलने वाली है, उनसे वापस रिक्वेस्ट है कि काउंसलिंग में गलती नहीं करें। मैं आपको एक एक जानकारी काउंसलिंग से रिगार्डिंग दूंगा और आप उसको फॉलो करते हुए अपनी अच्छी सी अच्छी जो आपको पसंद है उस यूनिवर्सिटी में जाए। इसके साथ ही जिन बच्चों का स्टेट लेवल पे, जैसे JET के अंदर
रॉयल इंस्टीट्यूट की मैं बात करता हूं तो आरसीए उदयपुर में अराउंड 45 से 50 बच्चे जो है कि अभी एडमिशन ले चुके हैं, वो मैक्सिमम बच्चे आईसीआर में जा सकते हैं, लेकिन जब तक आईसीआर को आपकी कॉलेज अलॉट आईसीआर नहीं कर दे तब तक आपको यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने हैं। आईसीआर में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है, उसके बाद में आप इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। कोई भी बच्चा, कई बच्चे मैंने पुराने ऐसे भी देखे कि सर मैं तो चले जाता लेकिन भैया ने मना कर दिया कि बाहर जाके क्या करेगा, इसलिए बाहर जाके क्या करेगा नहीं करेगा, अगर भैया को जानकारी नहीं हो तो एक बार हमसे संपर्क करें, पूछे, क्योंकि बाद में जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ जाते हैं, तब उनको कैंपस अच्छा क्या होता है उसकी फील आती है, तब उनको अपने आप को यूं लगता है कि खास कोई हमें बताने वाला होता तो हम अच्छी जगह होते, इसलिए आपके साथ ऐसा नहीं हो। ये रॉयल की टीम पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो कहीं का भी बच्चा क्यों ना हो, मैं YouTube पे आपको जानकारी दूंगा, आप उसको फॉलो करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में जाए, एक बार सुने जरूर, देखे जरूर, फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।